नमस्कार, हेलो एवरीवन, दिस इज मी पूजा एंड यू आर विथ मदर वर्ल्ड। आई एम श्योर आप सब लोगों ने कभी ना कभी जॉब की वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस से कभी ना कभी फेस ऑफ ज़रूर किया होगा, और इसमें आपने ज़्यादा जो डिफ़िकल्टी फेस की होगी वो उनके प्रोसीजर्स को। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू ले TCS, माई गॉड, TCS की अगर बात करें तो उनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो चार पार्ट्स में डिवाइड है। जो कि सबसे पहला होता है रिटन, दैट इज़ एम्पिट्यूड टेस्ट। सेकंड जो होता है वो टेक्निकल राउंड होता है। थर्ड मैनेजरियल, एंड फोर्थ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वो होता है HR राउंड। एंड इसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको जॉब के लिए एज अ इंटरव्यू लेटर दिया जाता है, जिससे आप इलेक्टेड है तो ये बता दिया जाता है। अब इतनी सारे प्रोसीजर के बाद ऐसा नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा जो ये प्रोसीजर पूरी तरीके से अटेंड करता है, वो सारा मेहनत तो वो उस प्रोसीजर में ही लगा लेता है। बट मदर वर्ल्ड ऐसा नहीं है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ कि किसी भी कंपनी में किस तरीके का रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, बिकॉज ये हमारे मदर वर्ल्ड के रिक्रूटमेंट प्रोसेस से बिल्कुल अलग है। फिलहाल आज मंडे है, मंडे इज डोनेटेड एज अ वेरी पीस एंड लविंग डे। भले ही आप ये वीडियो ट्यूसडे को देखें या फिर किसी और भी दिन देख सकते हैं, लेकिन येस श्योर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यादगार रहेगा, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ वी अप्लाई वी लुकअप फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ योर इंटरव्यूअर और कैंडिडेट। कैसे हम वी लुक के थ्रू उसके परफॉर्मेंस को, कैंडिडेट की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको सुन के थोड़ा सा शॉकिंग लगा होगा, ओ माय गॉड वी लुकअप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर व्हाट इट्स वी लुकअप एंड एच लुकअप। अगर आप फर्स्ट है, अभी आपने फर्स्ट स्टार्ट ही किया है वी लुकअप के बारे में जानना, तो वी लुकअप एज अ नेम डोनेटेड एज अ वी मीन्स वर्टिकल एंड एच मीन्स हॉरिजॉन्टल। आपके डेटा सेट को जो वर्टिकली आपने कंडीशन अप्लाई किया है उसके थ्रू अगर आपको आपका रिजल्ट मिलता है वी लुकअप के थ्रू, वी लुकअप उसमें यूज होगा। और एच लुकअप एज अ हॉरिजॉन्टली अप्लाई होता है, जो आप लुकअप, लुकअप मीन्स देखना, किसी चीज़ को देखना। अब वो कैसे अप्लाई करते हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स मदर वर्ल्ड आपके लिए लेकर आए, तो आपको इसकी बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि हम वी लुकअप कैसे समझे, बिकॉज एज जब मैंने स्टार्ट किया था, एज मैं सभी का एग्जांपल ले सकती हूँ, जब आप सभी लोगों ने वी लुकअप स्टार्ट किया तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज महसूस हुई होंगी। उसमें जो सबसे पहला रहता है वो वी लुकअप कहाँ पे यूज़ करें एंड एच लुकअप कहाँ पे यूज़ करें। सो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन यहीं पर होगा, ये सारी बेसिक्स आपको यहीं पर समझ में आएंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम कहाँ पर थे, मदर वर्ल्ड के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। एज वी ऑल नो मदर वर्ल्ड इज अ बिग फार्म, और यहाँ सब कुछ अलग होता है, सब कुछ निराला होता है। वो जो आपको एकदम रॉकिंग शॉकिंग एंड आई एम श्योर आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक बना देता है, वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि कैसे होता है वहाँ का सेलेक्शन प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, और कैसे वहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं कैंडिडेट्स को। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई हियर वन क्विट विच इज ऑलमोस्ट माई फेवरेट ऑल्सो, कि इफ़ यू अगर आप कुछ करेंगे नहीं, इफ़ यू वॉन्ट एनी थिंग हैपन इन योर लाइफ सो यू हैव टू डू फर्स्ट, नथिंग विल हैपन इफ़ यू डू नथिंग। सबसे पहले आपको ही कुछ करना होगा। सो अगर आप भी किसी भी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ से आपको थोड़ी सी निराशा मिल रही है, स्टार्टिंग स्टेजेस में यही होता है कि हम लोगों को थोड़ा सा अनसक्सेसफुल, वी आर कॉलिंग बैक, और इफ़ वी नीड एनी वैकेंसी सो वी विल डेफिनेटली कॉल यू, यही सब सुनने को मिलता है। एंड वी आर सो डिस्पेरेट, डिप्रेशन में चले जाते, डिस्पिरिट हो जाते, ओ गॉड, कोई बात नहीं,
तब तक आप मदर वर्ल्ड की इस एक्सेल सीरीज को एंजॉय करिए और कुछ नया सीखते रहिए। सो हम बात करने वाले थे कि कैसे मदर वर्ल्ड के रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, क्या आप जानना चाहते सीरियसली। सो मदर वर्ल्ड रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑनलाइन ऑफलाइन आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें सबसे पहली क्राइटेरिया जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि आपको जॉब चाहिए, दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और आप कैसे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड आप वहाँ के किसी भी A to Z किसी भी मेंबर से आपका फेस ऑफ होता है, आप जस्ट उसे जाकर के कह दीजिए मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो ऐसी एक कैंडिडेट हमारे सामने है जिनका नाम है प्रियंका सिंह। यस, प्रियंका जगानी, प्रियंका सिंह, एंड शी इज़ इंटरेस्टेड इन मदर वर्ल्ड, शी वॉन्ट्स जॉब, सो शी व्हाट वी से शी वॉन्ट्स टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ अ मैनेजर पोस्ट। मैनेजर, हर कोई मदर वर्ल्ड में मैनेजर ही बनना चाहता है। सो उनका जो सेलेक्शन प्रोसेस हुआ है वो उनके हॉबीज़ के, नॉट ओनली मदर वर्ल्ड के किसी भी इम्प्लॉय का, सबका जो सेलेक्शन प्रोसेस होता है उनके हॉबी के ऊपर होता है। मैं राइट? यस, सभी के जो रिक्रूटमेंट निकलती है तो वो जो भी उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो किसी भी एम्पिट्यूड टेस्ट, रिटन टेस्ट, टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, फेस ऑफ, ऐसा ग्रुप डिस्कशन, ऐसा कोई भी राउंड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपसे बैठा कर पूछा जाता है कि आपकी हॉबीज क्या है। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस प्रियंका सिंह से भी पूछे गए और फिर उनके क्या आंसर्स रहे, आई एम श्योर आप जानना चाहेंगे। अगर आप जानना चाहते तो आपको वो प्रैक्टिकल वीडियो ज़रूर देखना चाहिए एंड किस तरीके से उनके एग्जाम्स को लिया गया और उन्हें सेलेक्ट किया गया या नहीं किया गया, किया गया। सो आई एम श्योर आप जानना चाहेंगे कि नेक्स्ट मदर वर्ल्ड का मैनेजर कौन होगा, प्रियंका सिंह और एनीवन एल्स। सो उनके, प्रियंका सिंह के हॉबीज़ क्या थे और किस तरीके से उनके हॉबीज़ को, किस तरीके से वी लुकअप के थ्रू उनके मार्क्स को आइडेंटिफाई किया गया। आई एम श्योर वी लुकअप का ऐसा यूज़ आपने कभी नहीं किया होगा पहले, और अगर सच में आपने ऐसा यूज़ नहीं किया और आप देखना चाहते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट प्रैक्टिकल वीडियो एंड टिल देन प्लीज टेक केयर योर सेल्फ, इंजॉय योर मंडे, नॉट ओनली मंडे, ऑल द डेज ऑफ योर वीक्स, एंड आई विल सी यू ऑन अ प्रैक्टिकल वीडियो। बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ, एंड इफ यू अनसक्सेसफुल इन योर एनी इंटरव्यू, don't be desperate, everything is happen, it takes times, so aur tab tak aap mother world ke sath zarur connect rahiye and keep enhancing your excel skills and I will see you on next video and there is a lot of things in another side, bye bye.